मैं शाहरुख के साथ क्यों जाऊंगी? जूही चावला नहीं बल्कि कोई और ही एक्ट्रेस जाएगी शाहरुख खान के साथ दुबई। मैं शाहरुख के साथ क्यों जाऊंगी? मैं खुद चली जाऊंगी। अपनी क्रिकेट टीम की को ओनर जूही को नहीं बल्कि किसी और को 2020 क्रिकेट के नेक्स्ट सीजन की ओपनिंग में ले जाने का किंग खान ने बनाया है प्लान। और शायद इसी हैरानी में जूही चावला के मुंह से निकल गई है वो बात जो बना रही है आज की सबसे बड़ी हेडलाइन। मैं शाहरुख के साथ क्यों जाऊंगी? मैं खुद चली जाऊंगी। तो लोग पूछने चाहिए कि आप जूही जी के साथ जा रहे हैं कि नहीं। ओके लगता है कोलकाता टीम का को ओनर होने के नाते शाहरुख खान के साथ दुबई ना जा पाने से जूही को उतना दर्द नहीं होगा जितना वो नाम जानकर होगा जिसे 2020 क्रिकेट के नेक्स्ट सीजन की ओपनिंग से पहले होने वाले गाला डिनर में जाने का मौका मिलने जा रहा है। और रिपोर्टेडली सुनने में आया है वो नाम है माधुरी दीक्षित। इतना ही नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि इस दौरान हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख की को एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी दुबई के इस ग्रैंड इवेंट में शाहरुख के साथ होंगी। और सबसे गौर करने वाली बात ये है कि दुबई में 2020 क्रिकेट के नेक्स्ट सीजन से पहले होने वाले गाला डिनर में जहां मुंबई चेन्नई दिल्ली और बाकी टीम्स के ओनर्स एंड को ओनर्स एक साथ होंगे वहीं शाहरुख अपनी टीम की को ओनर जूही को छोड़कर दीपिका और माधुरी के साथ नजर आएंगी। वैसे अब तक ये ठीक ठाक पता नहीं चल सका कि शाहरुख ने ये डिसीजन क्यों लिया लेकिन ये जरूर है कि पर्सनल लेवल पर सुख दुख की हर घड़ी में जूही के साथ नजर आने वाले शाहरुख खान ने प्रोफेशनल ग्राउंड पर थोड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया है। शायद इसी वजह से जूही नहीं बल्कि माधुरी और दीपिका को मिलने जा रहा है SRK के साथ जाने का मौका। और इस बात ने खुद जूही को कितना चौंकाया है वो भी जूम एक्सक्लूसिवली आपके सामने ले ही आया है। मैं शाहरुख के साथ क्यों जाऊंगी? मैं खुद चली जाऊंगी। तो लोग पूछने चाहिए कि आप जूही जी के साथ जा रहे हैं कि नहीं। ओके पर अभिषेक सिंह जूम मुंबई।